नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा। आज मैं इस वीडियो में रिव्यू लेके आया हूँ सीबीएसई के उस नोटिफिकेशन की, जो कल यानी कि 6 तारीख को है ना, सीबीएसई ने बहुत बड़ा मूव दिया है। और सबसे पहले तो मैं उसका रीजन बताना चाहता हूँ। देखिए, यानी कि हम जानना चाहते हैं, रिव्यू का मतलब है हम बिहाइंड द सीन जानना चाहते हैं, यानी कि ये सब चीज़ जो हुई है वो क्यों हुई है और इस सब चीज़ को करने का क्या फ़ायदा होगा। और फायदा तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन हम उसका और भी बड़ा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो रिव्यू में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, एक्चुअली सीबीएसई और पूरा एजुकेशन सिस्टम और पूरा बोर्ड, एजुकेशन मिनिस्टर या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, टीचर, प्रिंसिपल, एजुकेटर, ट्यूटर या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़ी दुविधा में, बहुत बड़ी परेशानी में यूं फंस गए थे कि भाई मार्च वाला पेपर एक्सटेंड होकर जा रहा है मई में, पोस्टपोन्ड होकर, मई वाला फिर जा रहा है जून में, फिर जून में जाके रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। 15 दिन पहले पता लगा कि बच्चों को एग्जाम कैंसिल है। उससे पहले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत कर रहे थे। देखिए, मेहनत करना, प्रिपरेशन करना और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, इन सब में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का जो बैक साइड में अगर हम जाएं, तो सबसे पहला रीजन है कोविड को के ड्यूरेशन में भी अपने पढ़ाई के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, सेमेस्टर्स को यानी कि सेशंस को लाइव रखना, जिंदा रखना, चलाते रहना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इतना बड़ा खर्च, इतनी बड़ी स्ट्रेस, इतना बड़ा सिस्टम जो बिल्कुल वेस्ट जा रहा था, है ना, एग्जामिनेशन सेंटर बन गए, वहां पर मटेरियल पहुंच गया, फिर एग्जामिनेशन शुरू होने वाला था, 10 दिन पहले कैंसिल हो गया, वो बहुत बड़ा लॉस। बच्चों के सेंटिमेंट, बच्चों की सोच, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की स्ट्रेस, पेरेंट्स की स्ट्रेस, तो ये सब चीजों को देखते हुए और सबसे बड़ी बात ये देखते हुए कि कोविड अभी गया नहीं है, है ना। आपने सुना होगा अल्फा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, बीटा आ रहा है, गामा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इतने कंट्रीज में आ गया, इतने स्टेट में आ गया, इतने केस आ गए, इतने केस नहीं आ गए, यानी कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर ये स्कीम दी हुई है। एक बहुत अच्छा मूव है, बहुत ही सुंदर मूव है, बहुत ही परफेक्ट मूव है, क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि अभी ये जो कोरोना है वो 2-3 साल इसी तरीके से दुखी करेगा, तब जाके ये साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या हमारी मैनेजमेंट या हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये आएगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीजन तो ये हो गया। अब मैं चलता हूं आपके लिए टर्म वन के लिए। 2 सेमेस्टर में बदल गया, कोई अजीब बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सीसी सिस्टम में ऐसा ही था, ठीक है ना, ऐसा कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ, सीसी सिस्टम में सेम ये था। अभी 2 साल पहले ही सीसी सिस्टम बदला था, ये समझ लो कि दोबारा से आपका सीसी सिस्टम आ चुका है, ठीक है ना। वहां पर एफए होते थे, यहां पर उस एफए को इंटरनल असेसमेंट नाम दे दिया, वहां पर ऐसे होता था, ऐसे को यहां पर टर्म वन नाम दे दिया, वहां भी टर्म वन ही कहते थे, एफए प्लस ऐसे को टर्म वन कहते थे, है ना, एफए थ्री, एफए फोर और ऐसे टू को टर्म टू कहते थे, ठीक है ना। सेमिस्टर नाम दे दिया और अच्छा सा, प्यारा सा, बड़ा सा, है ना, अच्छा नाम आ गया, ठीक है ना। अब इसके पीछे का जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है, लेकिन आप लोगों को अच्छा पढ़ने के लिए और उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए, उसको फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे अब आप 10th क्लास में आ गए, फिर 12th में आएंगे, फिर आप अपना फ्यूचर कोर्स ढूंढेंगे, फिर आप जॉब के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, ओब्वियसली करनी ही चाहिए और करेंगे ही, तो उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला देखिए, टर्म वन में क्या हुआ है कि टर्म वन में पूरा का पूरा पेपर को एमसीक्यू बेस्ड बना दिया है। वो एमसीक्यू जो है केस बेस्ड भी होंगे, वो एमसीक्यू एसर्शन रीजनिंग भी होंगे और वो एमसीक्यू नॉर्मल एमसीक्यू भी होंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पेपर का पैटर्न सदा से रहा है और अभी भी ये है, लेकिन अब आप सोच के देखिए कि डिलीटेड पोर्शन यहाँ पर नहीं है, 30% तो एटलीस्ट है ही, ज़्यादा हो सकता है 40 भी जा सकता है, इस साल नहीं गया तो 30 भी गया है। अब आप थोड़ा सा इसके पीछे जाइए बच्चे, रिव्यू का मतलब देखिए, ध्यान रखना, मैं क्रिटिक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं रिव्यू दे रहा हूँ जिससे बच्चों को फायदा हो, मैं रिव्यू दे रहा हूँ जिससे स्टूडेंट को फायदा हो, मैं रिव्यू दे रहा हूँ जिससे स्टूडेंट के फ्यूचर प्लानिंग में फायदा हो, मैं रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप जो चीज आगे लाइफ में करना चाहते हैं वो इस 2-3 साल के हर्डल के बावजूद भी आप कर पाए,
ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि ये जो एग्जाम होना है वो नवंबर दिसंबर में होना है। कितना भी कोरोना चल रहा है ना, कुछ भी चीजें चल रही हैं, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो कंडीशन है वो बहुत बुरी नहीं है बच्चे। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइसोलेशन की बच्चे की जरूरत होती होती है, वो आइसोलेशन आपको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बाहर का जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो तो आप एग्जैक्टली उसी सिलेबस की तैयारी करके एग्जाम के लिए बैठिए या स्कूल में जाइए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ज्यादा स्ट्रेस मत लो यार, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी कोई अजीब चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। पहले भी बहुत बारी ऐसा होता था कि भाई आप स्कूल गए, स्कूल का टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इंटरनल नहीं है, उन्होंने कहा जी घर से ये चीज ले आना। तो वही चीजें हो गई ऑनलाइन, वही चीजें हो गई, ठीक है ना। ऑनलाइन अगर ना भी कराएं, देखिए ये रोना धोना अजीब सी बात है कि भाई हमारे बच्चे ऑनलाइन में आँख खराब, ऑनलाइन में ये खराब, ऑनलाइन में ये खराब। अगर आप बच्चों को चलो पढ़ाई से छुटकारा ही दे दो पूरा, फिर भी वो उतने ही घंटे फोन चलाते हैं, फिर भी वो उतनी ही इंटेंसिटी से फोन चलाते हैं, तो नहीं रोका जा सकता, ठीक है ना। क्या कोई पेरेंट्स रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत स्ट्रगल कुछ पेरेंट्स कर पाते हैं और फिर हाय तो वह करने के बाद में वहीं पर वहीं आ जाते हैं। चलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मेरा मतलब ये है कि अभी जो है जुलाई चल रहा है, स्टार्ट हुआ जुलाई, तो जो आपका 30% रिड्यूस्ड जो पार्ट है उसे भी बच्चे साइड में बैठ के करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली ये देखें, देखिए मैं क्रिटिक्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि 30% एग्जैक्टली वो ही रिड्यूस किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आगे सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की या एजुकेशन सिस्टम की ये मजबूरी है कि भई सेशन को चलाना है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं, कहीं ऑनलाइन फैसिलिटी हैं, कहीं 4G 3G है, कहीं नहीं है, कहीं नेटवर्क है, कहीं नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी रिमोट हमारा एरिया है, हमारा कंट्री है, ऐसा है, अच्छा कंट्री है, बहुत बढ़िया कंट्री है, लेकिन बहुत सारी जगह बच्चों को वो फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से बैलेंस करने के लिए किया गया है, लेकिन आप उस 30% पोर्शन को पहले जरूर कर ले एक बारी, अच्छे से कर ले बच्चे, मैं आपको सच बता रहा हूं। अदरवाइज इन्हीं चीजों को करने के लिए जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आपको लाखों की फीस जो है ना कोचिंग सेंटर में देनी पड़ेगी फालतू में। कुछ नया फॉर्मूला कोई नहीं बनाता भाई, ये जितने भी बच्चे लोग लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ले रहे हैं, वो कुछ अपना फॉर्मूला नहीं बनाते, क्योंकि हम लोगों ने वो पढ़ी नहीं, क्योंकि हमने वो देखी नहीं, हमने वो सुनी नहीं, हमने वो बुक ही नहीं देखी, हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। वो उसी का हवा बना के आपको खूब सारे पैसे छापते हैं, अच्छे से पढ़ लें। हाँ, इतना ध्यान रखें कि जब नवंबर दिसंबर आए तो अपने पॉइंट पर आ जाएं, यानी कि उसी सिलेबस पर आए। मेरी बात को जरूर नोट कर लेना बच्चों, ठीक है ना। ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, कोई अजीब बात नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ओएमआर सीट कोई अजीब चीज नहीं होती। जब आपने देखा होगा, जब हम रेगुलर क्लासेस होती थी तो भी बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे ओलंपियाड स्कूल में होते रहते थे, ओएमआर सीट पर हम फिल करते थे। चलिए टर्म टू पर आ जाइए। टर्म टू जो है नाम के लिए ऐसा बना दिया है कि वो पेपर ऐसा होगा जैसा होता है, वैसे होगा नहीं ऐसा। सबसे पहले तो उसकी वेटेज कम हो गई, सोचिए 20 मार्क्स तो आप इंटरनल के लिए निकाल दीजिए। बच्चे कितने मार्क्स? 80 को 50-50 में डिवाइड कर दीजिए, कितने मार्क्स बच्चे? 40 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आएंगे, तो कितने मार्क्स बच्चे? 20-25। अब वो 20-25 मार्क्स आप सोचो कितना बड़ा पेपर बन सकता है, नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों मंथ है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक बहुत बड़ी गलती मत कर देना बच्चे, क्योंकि इस सिस्टम का मतलब है कि आधा सिलेबस जो आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं आएगा, मार्च अप्रैल में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि उसको टच करना बंद कर दो। नहीं करना टच करना बंद। पहली बात तो हर सब्जेक्ट में, हर चीज में बहुत सारी बेसिक्स ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप उन्हें कैरी करना ही पड़ेगा, तो जरूर आप पूरा का पूरा सेट करें। हाँ, जब पेपर आए, पेपर से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, उसे आप अपने उसी सिलेबस पर आ जाइए जो सिलेबस आपको एग्जामिनेशन में आना है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप समझ रहे होंगे। दूसरी जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो ये इफ एल्स वाला चक्कर है, तो इसमें कोई ज़्यादा हेडक आपकी नहीं है, बल्कि स्कूल के सिस्टम की ज़्यादा है हेडक। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा उसकी वेटेज कम हो जाएगी, ऑफलाइन होगा उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। टर्म टू की वेटेज 50% है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है,
क्योंकि टर्म वन जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन ही है, 100% ऑनलाइन है, 100% MCQ है, ठीक है ना। और ये तो अच्छा हुआ है भाई, ये तो बहुत बढ़िया हुआ है, ये तो सोने में सुहागा हो गया है कि भाई अब एग्जाम जो है ना पोस्टपोन्ड नहीं होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है, ताकि हम नेक्स्ट चीज प्लान कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम टाइमली जा सकते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना नहीं हो, क्योंकि कोरोना से तो भाई पूरा दुनिया ही पीड़ित है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है, लेकिन उसमें जिसे कहते हैं ना सो मस्ट गो ऑन, ठीक है ना। तो आपकी पढ़ाई, आपका कैरियर, आपका फ्यूचर प्लान, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि अब से 5 साल बाद या 4 साल बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप टेस्ट देंगे, किसी जॉब के लिए आप टेस्ट देंगे, किसी बड़े कोर्स के लिए आप टेस्ट देंगे, तो आपको वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि भाई आप कोरोना की वजह से आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ा था, तो अब आप बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन करके आओ, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। सब चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमने छोड़ दिया था तो अब छोड़ दो, मेटलर्जी हमने छोड़ दी थी तो अब आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, तारीफ के काबिल है, अप्रिसिएट करना चाहिए हमें। बहुत बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छा ये सब चीज़ें निकाली है। सेशन को आपने देखा होगा पूरी तरीके से, सेशन जो अप्रैल से मार्च तक का होता था वो सेशन अब बदल कर एक तरीके से ये समझिए कि सेप्टेम्बर से मार्च हो गया, मार्च अप्रैल भूल आए, लेकिन मार्च से मार्च में ही पेपर को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में तो आपने देखा होगा कोरोना की जो ग्रोथ है ना, रिप्रोडक्शन है ना, वो बहुत तेज़ बढ़नी शुरू हो जाती है, और अभी ये जो तेज़ी है 2-3 साल तक रहेगी, ठीक है ना। तो ये मेरा क्रिटिक्स नहीं है बिल्कुल भी, मेरा रिव्यू है, मैं आपके भले के लिए इन बातों को बताना चाहता हूँ। ऐसा ना हो, देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिविटी ना करें, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ना करें, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है प्रोजेक्ट ना बनाएं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना चलें, सबके अकॉर्डिंग चलें, मैनेज करें, और जो वैल्यूएबल स्टडी है आपकी उसको भी कहीं ना कहीं साइड में ज़रूर करते रहिए। पहले भी करते थे बच्चों, पहले भी करते थे, सदा से करते रहे। जो बच्चे थोड़े से अलग चलते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना टॉपर्स डू द सेम थिंग बट डिफरेंटली, तो वो पहले भी करते थे, स्कूल के एग्जाम को भी देखते थे और अपनी स्टडी को पैरेलल चलाते रहते थे, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ में बने रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।